हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 3 अगस्त और आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तभी लाइक करिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर अंत तक, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो आज जैसे कि आप हमारा थंबनेल देख रहे होंगे, एक काव है जिसको जिसके बॉडी पर दाने दाने निशान पड़ गए हैं। तो ये एक रोग है जिसका नाम है लंपी। तो ये है क्या लंपी रोग, कैसे होता है, क्या ख़तरनाक है, क्या नहीं है, तो ये सारे जो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग वीडियो के बीच में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए बने रहिए पूरा हम लोग देखने कि क्या इसको इंसानों को ही खतरा है या केवल जानवरों को ही खतरा है, दोनों को खतरा है, ये सारा हम लोग इसको समझने वाले हैं इस सेशन में। तो पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। बहुत ही सही लाइन लिखा है। क्या कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, जो ये कहता है कि मेरे नसीब में नहीं है, किस्मत में नहीं है, ठीक है नहीं है, नसीब में नहीं है तो नसीब बदल दो। और नसीब कैसे बदलोगे, अपने हाथ की लकीर कैसे बदलोगे, वो आप तभी बदलोगे जब आप कर्म करोगे, जब आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी ये पॉसिबल है। कल क्या होगा ये कभी मत सोचे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पास होंगे फेल होंगे, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमारा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है डेडिकेशन, वर्क, डेडिकेशन के साथ वर्क होना चाहिए। हो सकता है यही डेडिकेशन, यही हार्ड वर्क आपकी अपने किस्मत की जो है वो तस्वीर पूरी के पूरे तरीके से बदल दे। बस आपको हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ करते रहना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट एक और है आप लोगों के लिए कि सूचना है कि जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। कल की PDF मैंने अभी जस्ट शेयर की है थोड़ी देर पहले, तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण लेट हो जाता है शेयर करने में PDF, बट शेयर कर दिया जाएगा, लेट सवेर जो भी होगा शेयर कर दिया जाएगा। बस आप उसको जा करके डाउनलोड कर लीजिए। बाकी वहाँ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी शेयर की जाती हैं, प्रैक्टिस के लिए शेयर की जाती हैं क्वेश्चन, वो भी आप जा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मैंने यही लंपी रोग लिया है कि लंपी रोग है क्या, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कूट वाले क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने हैं एंड देन आपको रिप्लाई करना है। तो इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर ले रही हूँ ताकि सारे ऑप्शन हमें क्लियरली दिखें। एक मिनट, बस क्या कह रहा है। लंपी रोग, लंपी त्वचा रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं मिल करके, और यहाँ पे बताना है कौन से स्टेटमेंट क्या है सही है। लंपी रोग, लंपी त्वचा रोग एक वायरल रोग है। लंपी त्वचा रोग एक वायरल रोग है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। वर्तमान में इस बीमारी से बचाव हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है, कोई टीका उपलब्ध नहीं है। चलिए अभी देख लेंगे। इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में मृत्यु दर 90% से अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस मैं बता दूं आपको, यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट यही सही है, बाकी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या, कैसे है। अभी क्या हुआ, गुजरात में इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी फैल गई है, जिसमें क्या हुआ है करीब 1000 गाय और भैंसों की मौत हुई है। और इस ये जो मवेशियों में फैलने वाला ये रोग है, इसका नाम क्या बताया जा रहा है, लंपी स्किन डिजीज़, लंपी त्वचा रोग। इंग्लिश में कहते हैं लंपी स्किन डिजीज, और हिंदी में लंपी त्वचा रोग बताया जा रहा है। और मंकी पॉक्स की तरह वायरस से फैलने वाला ये जो लंपी त्वचा रोग है, ये कैसे फैलता है, तो मच्छरों से, मक्खियों से, जू से, ततैयों के कारण ये क्या है फैलता है, जिससे क्या होती है, जो जानवरों में गांठदार त्वचा रोग वायरस कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, ये इनके द्वारा जो फैलती है, और जब फैलती है तो इसको क्या कहते हैं, गांठदार त्वचा रोग वायरस। मतलब जो जानवर हैं उनमें गांठदार ऐसे ऐसे क्या पड़ जाते हैं, दाने पड़ जा रहे हैं, क्लियर। और यह मवेशियों के सीधे संपर्क में आने पर,
अगर आप मवेशियों के सीधे संपर्क में आएंगे या दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये क्या हो जाएगी, ये फैलती है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से रखना है, ध्यान से रहना है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अभी क्या हुआ है, पशुओं को टीका लगाया गया है। तो ये जो लंपी त्वचा रोग है, इनकी 3 प्रजातियाँ हैं। इस रोग की कितनी प्रजातियाँ हैं, 3 प्रजातियाँ देखने को मिली हैं। 1 मिनट, 3 प्रजातियाँ। ये जो 3 प्रजातियाँ हैं, तो इसमें जो मुख्य है, पहली और सबसे मुख्य प्रजाति है, उसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कैप्रीपॉक्स। कैप्रीपॉक्स प्रजाति, कैप्रीपॉक्स वायरस। वायरस सेकंड जो है वो भी बता दे रहे, गोट पॉक्स वायरस। गोट पॉक्स वायरस। एंड थर्ड जो प्रजाति है वो है शीप पॉक्स। शीप पॉक्स वायरस। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये लंपी त्वचा रोग जो है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे होता है ये? तो जानवरों में बुखार आने लगता है, आँख और नाक से स्राव होने लगता है, मुंह से लार निकलना, पूरे शरीर में गांठ जैसे नरम छाले पड़ जाना, और इनके दूध उत्पादन में कमी आना, और भोजन करने में कठिनाई। इस बीमारी के क्या हैं जानवरों में लक्षण हैं। इसके अलावा इस रोग में शरीर पर क्या बन जाती हैं, ऐसे ऐसे गांठें बन जाती हैं। क्या बन जाती, गांठें बन जाती हैं। गर्दन और सिर के पास इस तरह के नोड्यूल ज़्यादा दिखाई देते हैं। कई दफ़ा तो ये भी देखा जाता है कि इस रोग के चलते जो मादा मवेशी हैं उनमें बाँझपन, गर्भपात, निमोनिया, लंगड़ापन, ये सारी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये तो चलिए फैल गया, अब इससे बचाव के उपाय क्या हैं? तो इसको बचाने के लिए क्या है कि अपने जानवरों को संक्रमित पशुओं से अलग रखना चाहिए, और रोग के लक्षण दिखने वाले पशु को नहीं खरीदना चाहिए। मेला, मंडी, प्रदर्शनी में पशुओं को नहीं ले जाना चाहिए। गौशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय करने चाहिए। रोगी पशुओं की जांच और इलाज में यूज जो सामान है उनको खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अगर गौशाला या उसके आसपास कोई असाधारण लक्षण वाले पशु को देखा जाए तो तुरंत नज़दीकी पशु अस्पताल में इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो ये सारे बचाव के उपाय हैं जो आपको ध्यान रखने। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये जो है, ये लंपी जो है, ये राजस्थान, यूपी, गुजरात समेत भारत के कई राज्यों में इससे क्या हुआ, कई ढेर सारे गायों की मौत हुई है। तो ये सब आपको देखना है। और ये जो है ये एक वायरल रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। वर्तमान में इस बीमारी से बचाव है तो कोई टीका नहीं। अभी जस्ट मैंने अपने स्टेटमेंट दिया था कि अभी बहुत सारे जानवरों को टीका दिया गया है। तो जब टीका दिया गया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए गलत, टीका उपलब्ध है। इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में मृत्यु दर 90% से अधिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब टीका दे दिया जा रहा है तो 90% से, हाँ मौतें हो रही, बट 90% से अधिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इस हिसाब पर केवल एक स्टेटमेंट सही है आपके, और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई थिंक फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अगस्त, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने ये घोषणा की है, ये की है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो वो 7 नए जिले कौन कौन से हैं वो मैं बोल दे रही हूँ, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो यूपी के हैं और भी अदर स्टेट के लिए, बस वही जाने कि कितने ज़िले बनाने, पूरा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल वाले ये जाने, इन उनको जानना 7ों ज़िले जरूरी, तो नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ। जो 7 नए ज़िले हैं उनका नाम है सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर, बशीरहाट। फिर से बोल रही हूँ, सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर, और एक जिला है बशीरहाट। तो ये जो है वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो जो पश्चिम बंगाल है, 23 जिले वहाँ ऑलरेडी थे, 23 जिले वहाँ ऑलरेडी थे, 7 जिले और वहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो अब वहाँ पे टोटल जो हो गई है 30 हो गए हैं। कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, कुल 30 हो गई है। तो ये क्यों किया गया है, क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण प्रशासन सही तरीके से हो सके, इसलिए ये सीएम ममता बनर्जी के द्वारा वहाँ पर ये घोषणा
की गई है। अच्छा, इससे क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन याद आया होगा कि ऐसा कौन सा, अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट था जिसने नए 13 नए जिलों की घोषणा की थी? तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास ऑलरेडी 13 जिले थे, तो उसने 13 और जिलों की घोषणा की थी, 13 और, तो टोटल आंध्र प्रदेश में जो हो गए 26 नए जिले हो गए हैं। तो ये भी आपको, मतलब 26 नए जिले नहीं, टोटल मिलाकर 26 जिले हो गए हैं, 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। तो मेरे ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? अब ये जो राज्य है, ये जो योजना है, ये क्यों चर्चा में आई? क्योंकि ये अभी योजना अभी तो स्टार्ट नहीं की गई है, ये स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट की गई थी। अब जब 2020 को स्टार्ट की गई थी तो अभी क्यों चर्चा में आई, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये जो 2 अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था, असम राज्य में ये अरुणोदय योजना स्टार्ट की गई थी। ये इस योजना के तहत जो योग्य परिवार थे, पात्र परिवार थे, उनको खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए, किसके लिए, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, आवश्यक खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए, खरीदने हेतु 830 रुपये पर माह, 830 रुपये प्रति माह राशि दी जाएगी इस योजना में, ये बताया गया था। और ये असम में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने लाख परिवारों को ऐड किया गया था, 17 लाख परिवार को शामिल किया गया था, कि उनको क्या किया जाएगा, 830 रुपये प्रति माह ये खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए दी जाएगी। तो अभी रिसेंटली, और मतलब पूरे साल की बात करें तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए लिखा, असम में अरुणोदय योजना के कुल 22 लाख अभ्यर्थियों को, अब क्या किया गया, पहले 17 लाख था, बढ़ा दिया गया 22 लाख अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए, किसके लिए, राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए अगस्त के लिए, केवल अगस्त के लिए, केवल अगस्त के लिए क्या किया है, 18 रुपये, 18 रुपये अतिरिक्त इसमें मिलेंगे। तो इस योजना के तहत जो 10 तारीख को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के बैंक खाते में 1000 1000 मौद्रिक लाभ के रूप में स्थानांतरित कर रही है, मतलब पहले 830 रुपये था, अब बढ़ा दिया गया है, अब इसमें क्या क्या है, 1000 मौद्रिक लाभ के रूप में स्थानांतरित कर रही है। और इसमें जो 1000 रुपये दे रही है, इसमें अतिरिक्त राशि हर लाभार्थी को कितनी दी जाएगी, 1000 में अतिरिक्त 18 रुपये ऐड कर दी जाएगी, ताकि वो क्या करें, एक बड़ा राष्ट्रीय ध्वज खरीद सके, या 9-9 रुपये वाला जो है, दो छोटे ध्वज खरीदने में क्या हो, वो सक्षम हो सकें। तो ये 18 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा इसमें, इसलिए ये चर्चा में था। तो बस हमको ये देखना है, ध्यान रखना कि अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये है असम से। अगर असम में जिलों की संख्या पूछें तो वो है 33 33 है, और लोकसभा सीट यहाँ पर कितने हैं, 14 हैं, राज्यसभा सीट यहाँ पे कितना है, 7 है। और यहाँ पे जो जीआई टैग जिसको मिला था, जैसे असम का मूगा सिल्क, असम का कार्बी आंगलोंग अदरक और तेजपुर लीची, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं, अभी किसकी जयंती मनाई गई है, जो किस नंबर की थी, 146 नंबर की थी, तो इसमें तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है, तो किसके जन जन जयंती पर, 146 है, पिंगली वेंकैया के, उसमें क्लियर। कब, 2 अगस्त को इनकी जयंती थी, 2 अगस्त को इनकी जयंती थी। और ये पिंगली वेंकैया के क्यों चर्चा में है, क्यों जाने जाते हैं, क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, तिरंगा का स्वरूप निर्धारित किया था, तिरंगा का स्वरूप निर्धारित किया था। तो पहले जो तिरंगा था, वो पहले जो तिरंगा वो लाल और हरे रंग का था, लाल और हरा रंग का था पहले तिरंगा। फिर क्या होता है, फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, फिर इसमें ऐड किया जाता है सफ़ेद रंग। पहले जो तिरंगा का स्वरूप निर्धारित किया गया था वो लाल और हरा था, फिर इसमें सफ़ेद ऐड किया जाता है, प्लस चरखा ऐड किया जाता है। तो बीच में जो ये ऐसे होता है, जो बीच में जो है, तो यहाँ पे पहले चरखा होता था, फिर क्या हुआ, फिर चेंज होता है, फिर यहाँ पे अशोक चक्र आ जाता है बीच में, अशोक चक्र, यहाँ पे अशोक चक्र हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और
तिरंगा अगर पूछ ले, ये तो आपको ध्यान रखना कि तिरंगा का जो स्वरूप निर्धारित किया था पिंगली वेंकैया ने निर्धारित किया था, और तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और क्वेश्चंस को ध्यान रखते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है हमारा उसको कब रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव रखना 13 दिसंबर 1946, और प्रस्ताव की स्वीकृति यह कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 कंफ्यूज नहीं होना, ये 22 जुलाई 1947, ये 22 जनवरी 1947। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय गान कब एक्सेप्ट किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया, आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट अभी भी जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है, लेक्चर को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कूट वाला क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। पिच ब्लैक अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? पिच ब्लैक अभ्यास है, इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो फर्स्ट है, यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत शुरू से ही इस अभ्यास में भागीदार रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अब क्यों नहीं सही है ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये वार्षिक यहाँ दिया है, तो ये वार्षिक अभ्यास नहीं बल्कि द्विवार्षिक अभ्यास है। हर 2 साल पर इसका क्या होता है? आयोजन होता है। और भारत क्या शुरू से ही इस अभ्यास में भागीदार रहा? बिल्कुल नहीं, शुरू से ये भागीदार नहीं रहा है। तो कब इस शुरू, तो ये क्या हुआ था, अभी इसने क्या किया है, 2018 में इसने भाग लिया था, तो इसलिए शुरू से ही नहीं 2018 में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी पिच ब्लैक अभ्यास की, ये हुई थी 1931 में हुई थी। कब हुई थी? सॉरी 1981 में। ये जो हुई थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और भारत जो भारत ने इसमें कब शुरू हुआ था, भारतीय वायुसेना ने इसमें कब भाग लिया था पहली बार, तो 2018 में हुआ था। तो इस हिसाब से अगर कह दिया जाए कि शुरू से ही, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पिच ब्लैक के बारे में, पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में। तो पिच ब्लैक अभ्यास जो है, अभी भारत इस महीने क्या है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला जो एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास है उसमें शामिल होने वाला है। और पिच ब्लैक अभ्यास में कौन कौन शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, भारत है, जापान है, मलेशिया है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, यूएई है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। यहाँ के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी क्या हैं इसमें शामिल होंगे पिच ब्लैक अभ्यास में। और इसमें पिच ब्लैक 2022 शुरू करने के लिए 17 देशों का लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी 2 सप्ताह में देश के उत्तरी क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। और इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने कब यहाँ पे पहली बार भाग लिया था, 2018 में, ये नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित होता है, और ये कैसा है? द्विवर्षीय अभ्यास, एक वर्षीय नहीं बल्कि द्विवार्षिक है। ये आपको ये लाइन भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981 में हुई थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? सत्येंद्र प्रकाश ने किया है। सत्येंद्र प्रकाश ने किसके स्थान पर किया है? तो नटराजन के स्थान पर किया है। नटराजन के स्थान पर सत्येंद्र प्रकाश ने पीआईबी का क्या किया है? पदभार ग्रहण किया है। पीआईबी की स्थापना की बात करें, पीआईबी की स्थापना ये हुई थी 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी, क्लियर। और ये जो नटराजन थे, नटराजन के स्थान पर नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। क्या कह रहा है कि प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया सत्येंद्र प्रकाश ने किया है। और 1919 में क्या हुआ था, पीआईबी का क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। और पहले जो भारतीय थे,
भारतीय महानिदेशक जो थे शामिल हुए थे इसमें, वो 1941 में हुए थे। वो कौन थे? नटराजन थे। पहले भारतीय महानिदेशक 1941 में, 1941 में नटराजन शामिल हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने हैं। हिमांशु पाठक किसके स्थान पर बने हैं? तो त्रिलोचन महापात्र, त्रिलोचन महापात्र, त्रिलोचन महापात्र के स्थान पर हिमांशु पाठक जो हैं ICAR के महानिदेशक बने हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक। अगर ICAR की स्थापना की बात की जाए तो 15 जुलाई 1929 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? MPX बोला तो शायद जिसने वीडियो देखा होगा, लेक्चर, उसको याद आया आ गया होगा कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो चलिए कोई नहीं, अभी उसको रिविजन करा दे रहे हैं। तो ये जो अभी अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस का समुद्री सैन्य साझेदारी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है भारत की साइड से, किसने लिया? INS तरकश, INS तरकश, क्लियर है? तो ये इसका उद्देश्य क्या है जिसने भाग लिया है? तो इसका उद्देश्य समुद्र में तेल भरने का अभ्यास करना, समुद्र में तेल भरने का अभ्यास करना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी भारत और फ्रांस ने नौसेनाओं के बीच तालमेल का परीक्षण करने के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में दो दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया है। रूस निर्मित जो भारतीय नौसेना जहाज है, ये रूस के द्वारा बनाया गया है, रूस निर्मित है लेकिन है भारतीय, भारत का है। रूस निर्मित भारतीय नौसेना जहाज INS तरकस, जो अपनी लंबी दूरी की विदेशी तैनाती पर है, इसने 29 और 30 जुलाई को उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी नौसैनिक जहाजों के साथ एक समुद्री साझेदारी MPX में भाग लिया है। और ये INS तरकश जो है, ये भारतीय नौसेना द्वारा आदेशित तलवार श्रेणी के, कौन सी श्रेणी का? तलवार श्रेणी के युद्धपोत के दूसरे बैच का हिस्सा है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो MPX मैंने बताया, ये एक अभी भारत और जापान के साथ भी हुआ था, भारत ने जापान के साथ भी एक MPX हुआ था। तो ये जापान और फ्रांस के साथ दोनों MPX हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? फ्रांस और जापान के साथ हुआ है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर उद्घाटन किया है इसका? ये किया है नई दिल्ली में। कौन? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथा, कौन सा चौथा संस्करण है? चौथा, ये भी ध्यान रखना है, ONGC पैरा खेल। तो ये जो पैरा खेल है, ONGC पैरा खेल है, ये दिव्यांग खिलाड़ी के लिए, किसके लिए? दिव्यांग खिलाड़ी के लिए, दिव्यांग खिलाड़ी के लिए। और इसी का क्या है, नई दिल्ली में चौथा जो है ये आयोजित किया जा रहा है। पहला कब हुआ था तब? ये तो चौथा, तो पहली बार कब हुआ था? 2017 में हुआ था। और चौथा 2022 में आयोजन नई दिल्ली के कहाँ पर? त्यागराज कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है, त्यागराज कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है। तो केंद्रीय, ये जो हरदीप, ये जो क्या नाम है इनका, हरदीप सिंह पुरी हैं, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और दूसरा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने ही नई दिल्ली में त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कौन सा? ये नई दिल्ली के, यहाँ लिख दे रही हूँ, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहीं पर इन्होंने चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें 275 विकलांग व्यक्ति, 8 केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी, ये इसमें क्या करने वाले हैं? भाग ले रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 से 4 अगस्त 2022 के दौरान जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, यानी ONGC है, यही क्या कर रहा है? आयोजित करा रहा है। कौन आयोजित करा रहा है? ONGC आयोजित करा रहा है। तो यही 2 से 4 अगस्त तक ये होगा।
और ये आपको पूरा ध्यान रखना है। और ये चौथे संस्करण में 192 ONGC के अलावा 7 अन्य सार्वजनिक उद्यम भाग ले रहे हैं। वो कौन से हैं? IOCL है, गेल है, BPCL है, MRPL है, EIL है, OIL है, HPCL है। तो ये सारा आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि कहाँ पर हुआ है, कौन सा संस्करण है, पहला कहाँ हुआ था, यही बस आपको ध्यान रखना है। अब ONGC आया तो लगे हाथ ये भी निपटा ही लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं कि ONGC का जो पहली महिला हेड है वो कौन है, पहली महिला हेड कौन है, उनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है? अलका मित्तल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने, फिर आ गया हमारा कॉमनवेल्थ गेम। 2 दिन से लगातार मैंने आपको रिविज़न कराया है, अभी फटाफट क्या करेंगे हम लोग, जो भी इतने दिन से जीते हैं उनका खाली डिस्कस करने वाले, बाकी तो आपको रट गया होगा कुछ दिन बाद इसका क्या नाम है, कॉमनवेल्थ गेम का, और जो बाकी आपके छोटे छोटे हैं वो बाद में हम लोग रिविज़न करेंगे। अभी बस कितने लोग जीते हैं ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम के महिला फोर्स 4 खिलाड़ी की टीम स्पर्धा में किसे हरा करके गोल्ड मेडल जीता है? तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कौन कौन ऐसे प्लेयर, अभी तक कितने, अभी तक टोटल 12, कल तक की न्यूज़ है कि जो अभी तक जो है 12 लोगों ने मेडल जीता हुआ है, तो उसमें से कितने लोग जो हैं वो गोल्ड मेडल जीते ये हम लोग देखेंगे। पहला गोल्ड मेडल कौन लाया था? मीराबाई चानू लाई थी, वेट लिफ्टिंग में लाई थी। दूसरा लाल रिनुंगा जेरेमी लाए थे वेट लिफ्टिंग में, गोल्ड मेडल 2 हो गए। और कौन लाया था? अंचिता श्योली लाए थे स्वर्ण पदक, ये 3 हो गए आपके। और कौन लाया था गोल्ड मेडल? और भारतीय महिला लॉन बॉल्स, ये लाई हैं भारतीय महिला लॉन बॉल्स, ये 4 महिलाओं की खिलाड़ियों की टीम है जिसमें क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। और एक भारत की ये मैंने यहाँ लगा दिया है, भारत की पुरुष टेबल टेनिस टीम, कौन सी? टेबल टेनिस टीम, इसने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। अब चलते हैं, जैसे कि संकेत महादेव सागर वेट लिफ्टिंग रजत पदक जीते हैं, विद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग रजत पदक, गुरुराज पुजारी वेट लिफ्टिंग ये ब्रॉन्ज मेडल, और विजय कुमार यादव जूडो में ब्रॉन्ज मेडल, सुशीला देवी जूडो में सिल्वर मेडल, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल, और विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में रजत पदक। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, ये न्यूज़ है जो कि मैंने यहाँ लगा दिया है कि ये देखिए महिला लॉन बॉल्स में ऐतिहासिक स्वर्ण, दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से दी मात। तो ये आपको ये मैंने दे दिया है। और भारतीय टीम ने रिले में बनाया एशियन रिकॉर्ड, ये भी मैंने दे दिया है आपको यहाँ पे। मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको कलेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। किसने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1 से 20 अगस्त तक भारत और किस देश के मध्य एक्स विनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? वियतनाम। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हर साल कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, संसद में इससे रिलेटेड बिल पारित हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हरजिंदर कौर ने वेटलिफ्टिंग के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? 71 kg में। हाल ही में द्रास में 0.5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदल करके गन हिल्स कर दिया गया है। द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा है। किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए? जिम्बाब्वे। कल मैंने अफ्रीका का पूरा अच्छे से डीपली आपको बताया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? तमिलनाडु पुलिस को सम्मानित किया है। किस राज्य में प्रतिवर्ष मिंजर मेला का आयोजन किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के चंबा में। एक मिनट, नेक्स्ट है, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया है? तो किसने किया है? इंग्लैंड ने किया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। आज तो ऐसा कुछ यहाँ न्यूज़ में है नहीं, फिर भी आप लोग फटाफट देख लीजिए। हाँ, आज असम आया था, ये है असम, ये असम है, ये आपको देखना है असम, जो कि अभी अरुणोदय योजना आपने पढ़ा था, अरुणोदय योजना ये यहीं का था, तो असम ये है, असम आपने देख लिया है। और चलते हैं, और चर्चा में क्या था, और था आपका फ्रांस था, तो फ्रांस हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका
ये आपका स्पेन यहाँ दिख रहा है, एक मिनट, ये स्पेन है और ये इसके ऊपर फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये आपको देख लेना है, और ये स्पेन है, फ्रांस स्पेन, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके ऊपर जर्मनी है, इसके ऊपर जर्मनी है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये तीनों लोकेशन तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना। और इसी के बगल में ये पोलैंड है, पोलैंड, पोलैंड है, क्लियर। और ये जो है आपका यूक्रेन, जहाँ पे वो रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा था, तो रशिया ने यूक्रेन पर, यही यूक्रेन है, ये आपका पोलैंड है, इसके बगल में जर्मनी है, फ्रांस, स्पेन है, इतना लोकेशन तो आपको क्लियर कर ही लेना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो थोड़ा मेहनत को मेरे सार्थक कर दीजिए। और वो सार्थक कैसे होगा, जब आप क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, नोटिफिकेशन जाएगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहेंगे वो आपको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो बस आपका जो वर्क है प्लेस कर दिया करिए कि लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि जितना लाइक होगा वो क्या होगा, वीडियो रीच होगा लोगों तक, और रीच होगा तो लोगों को बेनिफिट होगा। तो बस प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस यहीं विराम देते हैं, थैंक यू सो मच।